हाय गाइस, दिस इज वजीर अजहर मेहंदी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कोलोकेशंस। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको कोलोकेशंस के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। कोलोकेशंस कहते हैं ऐसे वर्ड्स का मजमूआ जिनको आप हमेशा साथ यूज करते हैं या आपको करना पड़ता है, और कोलोकेशंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको आपने हमेशा साथ ही यूज करना है। और नेटिव जो स्पीकर्स होते हैं इंग्लिश के, वो लोग कोलोकेशंस को सही से फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हो वॉश अ डिश, लेकिन ऐसा आपने नहीं बोलना है। आपने बोलना है डू द डिशेस, यानी डिशेस को साफ करना। इसी तरह मेक अ बेड, ये सही है, कोलोकेशन है, यानी बिस्तरे लगाना। आप बोल सकते हैं टेक अ नेप, दिस इज सही कोलोकेशन है। जबकि आप ये कह सकते हैं कि मेक अ नेप, ये बिल्कुल गलत है। यानी ग्रामेटिकल तो सही है, लेकिन नेटिव जो स्पीकर्स हैं वो ऐसा नहीं बोल। इसी तरह आप ग्रेट फन बोल सकते हैं, लेकिन बिग फन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कोलोकेशन में नहीं आएगा, ये गलत है। इसी तरह आप बोलते हो हैवी रेन, ज़्यादा बारिश होना, इसकी जगह पे आप अगर स्ट्रॉन्ग रेन बोलोगे तो ये ग्रामेटिकल तो सही होगा, लेकिन नेटिव स्पीकर ऐसा नहीं बोलते हैं, इनका आपने ख्याल रखना है। तो आप अपनी वीडियो सही से शुरू करते हैं, आगे लेके जाते हैं। तो आप आज मैं आपको कोलोकेशंस बताऊंगा फैमिली के बारे में। तो पहला जो वर्ड है वो है इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली में सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपकी सिबलिंग्स आते हैं, यानी आपके भाई बहन जो आपके घर में रहते हैं। दूसरा है वो है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में आपके बाहर वाले भी आएंगे, आपके एक मामू, चचा, खाला, खालू वगैरह सब आएंगे। और एक होता है फैमिली ट्री, ये होता है आपका शजरा होता है, यानी आपके परदादा से लेकर आपके दादा अब्बा वगैरह के सारी जो होती हैं उनकी जो ऊपर से नीचे की तरफ जो शजरा आता है उसको कहते हैं फैमिली ट्री। एक होता है, मुझे एक और वर्ड याद आ रहा है, वो है सिबलिंग्स राइवलरी। इसका मतलब है कि सिबलिंग्स के बीच में लड़ाई होना। फर्ज करें आपके सिस्टर और आपके बीच में लड़ाई होती है तो आप उसको कह सकते हैं सिबलिंग राय। नेक्स्ट जो है वो है केयर फ्री फैमिली, यानी वो ऐसी फैमिली को कहते हैं जिसमें आपको परेशानी ना हो, ऐसी फैमिली जो आपको सपोर्ट करती हो। एक होता है डिसफंक्शनल फैमिली, यानी ये है एक तबाहकुन आप फैमिली कह सकते हैं, यानी जिसमें रोज़ फसाद होते हो, आपके लिए इशूज़ हो बच्चे के लिए। एक होता है ट्रबल चाइल्डहुड, यानी ऐसा शख्स जिसके बचपन में उसको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई हो, तो आप उसको कहते हैं ट्रबल चाइल्डहुड। बिटर डिवोर्स, डिवोर्स यानी सख्त तलाक होना, लड़ाई के बाद तलाक होना। एक होता है मैसी डिवोर्स, मैसी डिवोर्स होता है ऐसा तलाक जो कोर्ट तक जाए और लंबे अरसे तक जायदाद के लिए लड़ाइयाँ होती रहे, उसको कहेंगे मैसी डिवोर्स। एक होता है ब्रोकन होम, उजड़ा हुआ घर, यानी जिस घर में कोई सुकून ना हो, रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े होते हों। एक होता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, यानी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन उसको कहते हैं कि तलाक होने के बाद आपका जो बच्चा है वो माँ के पास रहेगा या फिर बाप के पास, और इसका फैसला कोर्ट करेगी। एक होता है फिर कोर्ट ये बता सकते हैं ज्वाइंट कस्टडी, यानी दोनों के पास रहेगा बच्चा बारी बारी डिवोर्स के बाद। ये एक होता है सोल कस्टडी, यानी सिर्फ माँ के, सोल का मतलब है अकेला, यानी सिर्फ माँ के पास रहेगा या सिर्फ बाप के पास रहेगा। एक होता है म्यूचुअल डिवोर्स, यानी दोनों मियाँ बीवी राजी होकर डिवोर्स लेते हैं, या म्यूचुअल सेपरेशन भी उसको बोलते हैं, तो उसको आप बोलेंगे म्यूचुअल डिवोर्स। एक होता है गेट्स प्रेग्नेंट, यानी प्रेग्नेंट का मतलब है कि आप माँ का हामिला होना। अगर शादी के बगैर हामला हो जाए तो उसको कहेंगे सोल मदर। अगर कोई माँ शादी के बगैर प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको बोलेंगे सिंगल मदर, लेकिन अगर शादी करके प्रेग्नेंट हो तो आप उसको सिंपल मदर बोल सकते हैं। एक वर्ड होता है हैव एन एबॉर्शन। एबॉर्शन का मतलब है कि बच्चा पेट में है उसको गिरा देना, उसको कहेंगे हैव एन एबॉर्शन। कोलोकेशन है वो है ड्यू डेट। ड्यू डेट उस डेट को बोलेंगे कि जिस दिन आपका बच्चा पैदा होना है, जिस दिन आपका बच्चा इस दुनिया में आ रहा है। और आता है एडॉप्टिव पेरेंट्स, यानी ऐसे पेरेंट जो किसी बच्चे को गोद लें, यानी उनका अपना बच्चा ना हो, उनके पेरेंट्स को कहेंगे एडॉप्टिव पेरेंट्स। और आखिर में जो वर्ड बता रहा हूँ वो है बायोलॉजिकल मदर। बायोलॉजिकल मदर उस माँ को कहेंगे जिससे आप पैदा हुए हो, यानी आपकी सगी माँ, या आप उसको बर्थ मदर या बायोलॉजिकल मदर कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, उसको काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें।